ध्यानाति पाता विर्मनि सिक्खापदं स्माध्यामि जातक कथा का परिचय। जो बोधि साहित्य है, बुद्ध का साहित्य है, जो भगवान बुद्ध ने जो बताया और जिसको लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, याद करकर आगे बढ़ाया गया, उसका जो अंतिम साहित्य है, यानी कि जो सबसे सरल साहित्य है, वो है छोटी छोटी कथाएं, कहानियां। दरअसल धम्म है, बहुत सरल भी है और बहुत ज्यादा गुल्लक भी है, यानी कि रहस्यमय भी है, गुल्लक यानी छिपा हुआ भी है, गुड़क भी है। बच्चों को समझाने के लिए जो उस समय भाड़क होते थे या जो भांडक होते थे, यानी जो भंडार रखते थे सारे साहित्य का, सारे धम्म की बातों का, जिनको भंडारक भी बोलते थे या भाड़िक बोलते थे या भाड़क बोलते थे, वो सारे के सारे ही जगह जगह जाके छोटी छोटी सभाएं करते थे, घरों में जाते थे, एक एक घर में, और वहां जो शुरुआत करते थे बच्चों को, उनको जातक कथाओं से करते थे। जात कथाएं दरअसल नाम है इसका बेसिकली। जात माने जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, जात माने पैदा होना होता है, और कथा माने कहानी, उसकी स्टोरी होती है। तो जात और कथा को मिला के एक शब्द बना जो जातक के नाम से आता है, जात और कथा। जात कथा या जातक कथाएं बाद में पंचतंत्र के नाम से भी जानी जाने लगी। पंचतंत्र का मतलब है पंचशील के तत्व, यानी जिसके अंदर हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, झूठ नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये पांचों तत्व जिस कहानी के अंदर होते हैं उसको पंच तत्व बोलते हैं, और पंच तत्व को बाद में संस्कृत भाषा में पंचतंत्र बोला गया। जो इस कहानी में जानवरों की और जंगल की उपमाएं थी, एग्जाम्पल थे, उन कहानियों को जंगल बुक के नाम से या जंगल की स्टोरी के नाम से या जो जानवरों की कथाएं उनके नाम से प्रचलित किया गया। पूरी दुनिया के अंदर ये जो पांच सील की कथाएं हैं, पंच तत्व की कथाएं हैं, या जो जातक कथाएं हैं जो बनाई गई हैं और जो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, ये कथाएं बहुत ज्यादा मशहूर हैं। अलग अलग नामों से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, क्योंकि ये सदाचार की मोरलिटी की कहानियां हैं। सदाचार मतलब जो सादा आचरण है जीवन में, सत्य का आचरण है, सच का आचरण है, जो समझदारी का आचरण है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है, उसको बताने वाली, उस बिहेवियर को बताने वाली, उस बिहेवियर पैटर्न को बताने वाली ये कहानियां हैं। आज भी इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, दुनिया भर की सारी भाषाओं में ये कहानियां बहुत ज्यादा रूपांतरित यानी कि चेंज हुई हैं, कन्वर्ट हुई हैं, और उनमें अलग अलग भाषाओं में बोली और बताई जाती हैं। नेट और इंटरनेट इन कहानियों से भरे पड़े हैं। इनका आधार वही है जातक कथाएं। जातक कथाएं 500 से ऊपर लगभग उस समय थी, अब की समय तो ये हजारों की समय है, क्योंकि जातक कथाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। अगर किसी कहानी के अंदर पंच तत्व है, पंचशील है, मॉरलिटी है, लोगों को सदाचार सिखाने का है, तो वो जातक कथा में अपने आप जुड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्ध के जन्म की कहानियां हैं। बुद्ध के जन्म की कहानियां ये नहीं प्रतीत होती हैं, क्योंकि जात माने उत्पत्ति और जन्म होता है और कथा माने कहानी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ बुद्ध जातक कथाएं या बुद्धस्य जातक कथाएं, क्योंकि बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के व्यवहार को, अनुभव को देखा। जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे विपसना साधना की, और विपसना साधना में उन्होंने अपना पीछे का जितना भी सॉफ्टवेयर का वर्जन है, यानी जो पीछे से बता रहा है, उसका अनुभव किया। किसी भी जातक कथा में कहीं ऐसा नहीं है कि वो जगह या वो स्थान आइडेंटिफाई किया गया हो या खोजा गया हो या वहां जाके उसका अन्वेषण किया हो कि बुद्ध ने अगर किसी कथा में कोई बताया है तो वहां जाके हम उसकी तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि बुद्ध ने जो कहा है वहां पहले बुद्ध थे या नहीं थे। ऐसा कहीं भी नहीं है। धम्म को बिगाड़ने के लिए, साहित्य को बिगाड़ने के लिए उसमें चमत्कार और गोल गपोल बातें, फिक्सियस बातें, झूठी बातें डाली जाती हैं। ऐसी बातें डाली जाती हैं जिनका हिस्ट्री में कहीं आता पता नहीं होता है। अगर ऐसी बातें किसी साहित्य में डाली जाती हैं तो वो साहित्य नल एंड वर्ड हो जाता है, अच्छे लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है। कथाओं का मतलब कथा है, कहानी है, बताने के लिए है, मॉरल है, स्टोरी है,
इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी भी जातक कथा में जो स्टार्टिंग है वो एक राजा या एक समय या एक जंगल या एक बात या एक खेत ऐसे आरंभ होती है। कोई भी जातक कथा ऐसे आरंभ नहीं होती है फलाने प्रदेश के फलाने आदमी का फलाना खेत जिसके पिता का नाम ये उसके पिता का नाम ये उसके बच्चे का नाम ये, ऐसा कहीं नहीं है। ना ही कोई वसावास कोई समय दिया गया है, ना ही कोई भौगोलिक स्थिति दी गई है। सारी की सारी बहुत सरल भाषाएं हैं, दो तीन कैरेक्टर के नाम बनाए गए हैं, उनके ऊपर सारी कहानियां बेस हैं। इतिहास में दो तीन कैरेक्टर के ऊपर कहानी नहीं बनाई जाती। इतिहास जब आरंभ होता है तो सबसे पहले समय मांगता है कि ये कहानी या स्टोरी या इतिहास कब का है, समय मांगता है, फिर उस जगह को मांगता है, फिर उसके समकालीन यानी उस समय के आसपास जो घटनाएं घटी हैं उनको मांगता है, फिर इतिहास उस जगह पे चिन्ह मांगता है, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं जो वस्तु है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है जिसमें पुरानी चीजें मिलती हैं ओल्ड सारी, चाहे कोई बर्तन है चाहे कोई कपड़ा है चाहे कोई मोती है चाहे कोई मूर्ति है, उनका अन्वेषण करता है, उनकी कलाकृति देखता है, फिर समकालीन काल से उनको मिलाता है कि क्या इस काल में ऐसी चीजें और भी थी या नहीं थी। इतिहास की इन्वेस्टिगेशन बहुत गूढ़ होती है, बहुत मजबूत होती है, उसको नकारना इतना आसान नहीं है। बुद्ध इतिहास है इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी सारी चीजें मिलती हैं। एक भारत के अंदर अकेले बुद्ध ही है जिनकी एक ही चीज मिलती है, और एक महावीर जैन है जिनके सारे चिन्ह मिलते हैं। इतिहास बुद्ध से और जैन से ही आरंभ होता है, इसलिए जातक कथाओं को अपने बच्चों को या खुद आप भी जब उनको ग्रहण करें और समझें तो उनको कहानी समझ के ग्रहण करें, उसमें जो सदाचार छुपा हुआ है जो पांच सिर की बातें छुपी हुई हैं वो अपने बच्चों को बताएं, उन्हीं को आगे बढ़ाएं। कथाओं को किसी भी हालत में इस तरह से ना सीखें कि ये बुद्ध की जन्म की कथा है और इसमें ये करेक्टर बुद्ध का करेक्टर है या सिद्धार्थ गौतम का है या किसी और बुद्ध का है, ये बिल्कुल फिक्सियस और झूठा मालूम और दिखाई पड़ता है। इसलिए जातक कथाओं को जो बिहेवियर करेक्टर ठीक करने के लिए, जो आचरण ठीक करने के लिए, जो चरित्र को ठीक करने के लिए बात कही गई है उसके हिसाब से इसको सीखें। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Gacchami.
Singam Sirunam Gacchami.